सकता कि भारत जीते और जश्न मने। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे भारत के समर्थक जश्न मना रहे हैं और एक T20 वर्ल्ड कप जीती ले, इंडिया ने अपना एक खिताब जीत लिया है। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे 17 साल बाद हम जीते हैं। वंस मोर इंडिया, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन ऑल द फॉर्मेट्स, बट इट्स जस्ट वी हैव स्टैम्प्ड आवर अथॉरिटी, हमने अपनी अथॉरिटी। आज के डेट में जो उन्होंने 17 ओवर के बाद जो कैप्टनसी जो बॉलर चलाए हैं अपने, हम लोग सोच रहे थे कि अर्शदीप आएंगे 17 ओवर, लेकिन उन्होंने पहली बुमराह को बुला लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और अलग लेवल की कैप्टनसी थी और वो स्काई का कैच, हारने वाले सूर्य कुमार यादव की जो कैच थी उसने एकदम रंग बदल दिया मैच के, एंड इट वाज जस्ट हार्ट वार्मिंग टू सी इंडिया विन। वेल इट वाज अ मेमोरेबल विन, इंडिया प्लेड एज अ यूनिट and everybody contributed, so all the cheers to India. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray. क्या कहना चाहेंगे मैम इस ऐतिहासिक जीत पे? बहुत खुश हुए हैं और ये इसकी खुशी आप देख रहे हैं कि सारा देश एक हो गया है और सब सड़कों पे निकल आए हैं। मतलब आखिरी बॉल पे जो लास्ट ओवर था हमारे लिए वो बहुत एक्साइटमेंट था, सबकी सांसें रुक गई थी, मतलब मुझे लग रहा था हमारी जान निकल जाएगी आज, लेकिन मजा आ गया, इतना मजा आया। हिप्पी भुर्रे। मैच का टर्निंग पॉइंट कहाँ लगा आपको? जब लास्ट चल रहा था बुमराह जब आए उन्होंने आउट करा हो और उसके बाद जो लास्ट जो ओवर था वो वाला बिल्कुल हर्ट रेट 150 के ऊपर चला गया। एक्चुअली 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 इंडिया भाई, मैं तो घर से दूध लेने निकला था, फिर मुझे पता चला हिंदुस्तान जीत गया है, फिर हम आए यहाँ और फिर हमने खुशी देखी और आज से मैं एक क्रिकेट फैन बन गया। बिल्कुल, इससे पहले मतलब आज तक नहीं देखा था भाई क्रिकेट, अब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है तो अब से मैं क्रिकेट देखूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप, इंडिया की ऐतिहासिक जीत जीत गई है? क्या मैच नहीं देखा हमने, मैंने भी नहीं देखा मैच और कुछ नहीं पता, बस यहाँ पर बस पता है इंडिया जीत गई है बस। हाँ, यहाँ खुशी पता है, आवाज बैठ गई है, खुशी बन रही है तो हम भी यहाँ पर खुशी बना रहे हैं। भारत की जीत में आप भी एक शामिल हो गए? हाँ, शामिल हो गए मरते दम तक। ये पूरी विक्ट्री रोहित और विराट और पूरी टीम को समर्पित है क्योंकि इनका आखिरी वर्ल्ड कप था, इन लोगों ने वर्षों देश की सेवा की है और ये इट्स अ किंग साइज कि कोहली आखिरी फाइनल में चले और उन्होंने दिल्ली और देश का नाम रोशन किया। क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक जीत पे? बहुत खुशी हो रही है, देश का नाम रोशन किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब वर्ल्ड कप में हारे थे तो बहुत दुख हुआ था, सभी को बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज इस खुशी के आगे वो सब भूल गए। अच्छा, रोहित एंड विराट दोनों ने संन्यास ले लिया T20 से, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये तो चलता रहेगा, पुराने लोग निकलेंगे तो नए आएंगे, ठीक है, सभी को टाइम समय मिलना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो किया अपने टाइम में बहुत अच्छा किया और आगे भी करते रहेंगे, पर उनकी गाइडलाइंस में जो और लोग आएंगे वो ऐसे ही आगे अच्छा करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस इंडिया के ऐतिहासिक जीत पे? इंडिया ने जो आज हमें खुशियां दी हैं वो कभी भुलाई नहीं जाएंगी। हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, यू थ्री ऑल रॉक्स मैन टुडे, आप लोगों ने जो आज किया है वो पूरी जिंदगी याद रखा जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक और चीज, दिल्ली पुलिस जो आज इतने अच्छे से मैनेज कर रही है उसके लिए शाबाशी है, बहुत अच्छे से दिल्ली पुलिस। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मजा आ गया भाई मैच देख के। इंडिया इंडिया वर्ल्ड, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। इंडिया के जीतने के बाद लेकिन एक बात बोलूं सर, रोहित शर्मा ये डिजर्व करता था, रोहित शर्मा की एज बहुत ज्यादा हो रही है, रोहित शर्मा वेल डन। बिल्कुल, दोनों ने विराट एंड रोहित दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया, क्या कहना चाहेंगे? वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू, आज ही लिया है, रोहित शर्मा वेल डन है, रोहित विराट कोहली को लेना नहीं चाहिए था, रोहित को नेक्स्ट खेलना चाहिए था, 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था, से नहीं लिया T20 से लिया है, बट लेकिन नेक्स्ट खेलना चाहिए था क्योंकि एक वही है टीम को जो आगे लेके जाता है। लेकिन एक बात बोलूं लास्ट में, रोहित आई लव यू, रोहित आई लव यू। कहना चाहते हो इंडिया इस ऐतिहासिक जीत के बारे में? हम बहुत खुश है और ऐसे चाहते कि ऐसे इंडिया जीतते रहे। 11 साल बाद मैंने क्रिकेट देखना 5 साल से शुरू करा और अब जीते, इतना खुश हुए, इतना मजा आया, मजा ही आ गया आज तो जीत के, और आज हराया इतनी बुरी तरीके से, आज इतना क्लोज मैच था, फाइनल देख के मतलब दिन ही बन गया आप तो कह दो, मजा ही आ गया। हाँ, साल बाद चेंजिंग मैच कौन लगा, किसने मैच चेंज किसने किया, चेंजिंग पॉइंट कहाँ लगा? कोहली ने और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह ने। थैंक यू भैया, मैं तो 13 साल से वेट करता कि अपना इंडिया वर्ल्ड कप जीते और आज जीत चुका, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को, और हम चाहते हैं कि 2025 का चैम्पियन ट्रॉफी जीते हम लोग
और 27 में तो है वर्ल्ड कप इंडिया में, तो हम चाहते हैं कि बार फिर से जीते वर्ल्ड कप। हाँ खैर, विराट कोहली और रोहित भाई अपने साथ में नहीं होंगे, बट कोई नहीं, अपनी टीम इंडिया है साथ में, कोई नहीं, जीतेंगे फिर से। भारत माता की जय। बहुत बहुत खुशी हुई जी। इंडिया इंडिया, हम तो 84 से पहला वर्ल्ड कप से देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं। बिल्कुल 40 साल से मैं अपने क्रिकेटर हूँ और बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ। तो हम विराट एंड रोहित दोनों ने आज रिटायरमेंट के लिए कह दिया, क्या लग रहा है कैसे कि आज इस निर्णय से कितने आप सहमत हैं? नहीं होना चाहिए इसे तो, अभी तो बहुत बहुत खिलाड़ी है, नई पीढ़ी को आना ही चाहिए।